जैसा कि निखिल जी आपने मेरे साथ अभी लैप सेलफोन से ज्वाइन किया हुआ है, एंड्रॉयड फोन से, तो इस तरह से आपको हर दिन एक मीटिंग आईडी मिलेगी, उसके जरिए आपको हमारा एक कोर्स ज्वाइन मैंने क्लासेस ज्वाइन करना है। मैं पहले बता दूं कि इस ये होता है लाइव स्क्रीन शेयरिंग मेथड, ठीक है। जैसे आप क्रिकेट मैच देखते हो तो लाइव मैच का टेलीकास्ट आपको दिखता है, इसी तरह से मैं अपने डेस्कटॉप का कंप्यूटर स्क्रीन का लाइव टेलीकास्ट मैं आपके सिस्टम पे कर रहा हाँ जरूर समझ गया ये चीज। हूँ, समझे ना। तो अगर किसी क्लासरूम में ट्रेनिंग लेने आप जाते भी हैं तो क्या होता है कि वो अपनी कंप्यूटर स्क्रीन को आप प्रोजेक्टर के थ्रू प्रोजेक्ट करता है, तो जी सेम चीज मैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन को आपके सेलफोन पे, आपके टैबलेट पे और आपके डेस्कटॉप पे प्रोजेक्ट कर रहा हूँ, और हेडफोन से मैं आपस में लाइव रहेंगे। और मेरे बैच में दो तीन बच्चे ही होते हैं, ज्यादा बच्चा नहीं होता हूं, तो मैं पूरी की पूरी ध्यान आप लोगों पे देता हूँ, तो एक पर्सनल ट्रेनिंग की तरह हो जाता ठीक है। और साथ में एक और मेरी बनती है कि मैं हर सेशन को रिकॉर्ड भी करता हूँ, जो भी हमारी कन्वर्सेशन होगी हम उसको रिकॉर्ड भी करेंगे, तो आपको प्रैक्टिस के लिए उसकी रिकॉर्डिंग आवृत्ति क्लास क्लास के कुछ समय बाद आपको मिल जाएगा। ये रिकॉर्ड हो रही है ये हाँ, हर सेशन रिकॉर्ड होगा, मैं सॉफ्टवेयर हर सेशन को रिकॉर्ड करता है, ठीक है, और उसको हम गूगल ड्राइव के जरिए आपको भेजते हैं। बाद में देख सकते हैं, इसको हम बाद में देख सकते हैं। हाँ, बाद में देख सकते हैं, ठीक है गूगल ड्राइव के जरिए हम हर किसी को देते हैं, राइट। ओके अब चलिए कोर्स के बारे में थोड़ा सा, अब ये तो होगी क्लास की मीडियम के बारे में कि आपने क्लास का मीडियम आपने क्या है देख लिया, अब कोर्स के बारे में हम डिस्कस करते हैं, राइट। अगर कोर्स की बात करें तो मैं अपने कोर्स को तीन पार्ट में बांट रखा हूँ, जिसको हम लेवल भी कहते हैं, पार्ट भी कहते हैं। लेवल वन जो कि है एडवांस एक्सेल विथ फॉर्मूला, या ओके एडवांस एक्सेल फॉर प्रोफेशनल, ठीक है। इस लेवल की बात करें तो इस लेवल में मैं क्या करता हूं कि जो मेनू बार में जो देख रहे हैं ना, मेनू बार के हर एक मेनू के हर एक चीज के हम बारे में डिस्कस करते हैं। मोर देन 200 फॉर्मूला, जैसे कि लॉजिकल, टैक्स, रिटर्न टाइम, लुक रेफरेंसेस, मैथमेटिकल, स्टैटिकल्स, आपको इंफॉर्मेशन, इसके फाइनेंशियल, ये फॉर्मूले। हम ये नहीं कहते कि हम आपको ए टू जेड फॉर्मूला कराएंगे, ए टू जेड फॉर्मूला मैं आपको ना करा सकता हूँ ना आप कर सकते हैं, लेकिन हाँ मोर देन 200 फॉर्मूला आपको हम कराएंगे, और उस फॉर्मूले ओके का ट्रिक्स, नेस्टिंग, जैसे नेस्टिंग में समझे कि बहुत सारे फॉर्मूले को एक एक फॉर्मूले में मर्ज करके तैयार करना, मैं किसी चीज के लिए फॉर्मूला नहीं है, तो आप उसको कई सारे फॉर्मूले को आपस में मर्ज करके आपने फॉर्मूला तैयार कर दिया, ठीक है। एक सेकंड तो दीजिएगा, हेलो, तो नेस्टिंग के बाद हमारे पास यहाँ पे आपको एरे फॉर्मूला भी है, उसके बाद आता है इसमें आपको ऑटोमेशंस, हम कुछ रिपोर्ट्स को लेके ऑटोमेट करेंगे, जी उसके बाद आता है चार्ट्स एंड डायनेमिक चार्ट्स, जो कि डायनामिक डैश, चार्ट्स हाँ, जो कि डैशबोर्ड के लिए यूज होता है, ठीक है, डैशबोर्ड के लिए इस्तेमाल होता है, और फिर हम डैशबोर्ड के कुछ एग्जांपल कराएंगे, समझ गए। तो अगर समझ मैं गया इन शॉर्ट कहूं तो लेवल वन में क्या होगा कि आप एक्सेल के हर चीज जो इनबिल्ट फंक्शंस है वो सारे इनबिल्ट फंक्शंस को आप जान जाओ, ओके ठीक है, एक्सेल के इनबिल्ट फंक्शन को आप जान जाओ जो डिफाइन, राइट। अब इसमें ये हो गया, अब नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जब एक्सेल के सारे इनबिल्ट फंक्शन को हम जान जाएंगे तो लेवल टू में जो हमारे पास आएगा वो आएगा एक्सेल वीबीए माइक्रो प्रोग्रामिंग। ठीक है, एक्सेल वीबीए माइक्रो जी प्रोग्रामिंग, जिसमें दो पार्ट है, एक है माइक्रो प्रोग्रामिंग, दूसरा है इवेंट माइक्रो,
उसके बाद फंक्शंस, इंटरफेस मतलब यूजर फॉर्म और कनेक्टिविटी। ठीक है, हम कंप्लीट मैक्रो प्रोग्रामिंग बताएंगे ताकि आप अपने हिसाब से सारे मैक्रो आप बना सकें। ठीक है, सुन मैं? हाँ जी जी सुन रहा हूँ मैं। हो गया? हाँ जी। उसके बाद इसमें हमारा तीसरा जो आता है लेवल थ्री मतलब पार्ट थ्री, वो हमारा होता है एमएस एक्सेस डेटाबेस। कुछ पार्ट एसक्यूएल के और कुछ पार्ट टैबलो के। तो ये बताइए इसमें ए जो है ना, ए आपको इंटरमीडिएट लेवल होगा, ए एडवांस लेवल नहीं होगा। मैं पहले आपको बता देता हूं इसलिए क्योंकि एडवांस लेवल की जरूरत नहीं पड़ेगी। एडवांस लेवल पर करोगे तो फिर ये आपका काफी लंबा टाइम बीत जाता है, इसलिए हम इसको इंटरमीडिएट लेवल तक ही करते हैं। ओके ठीक है जी। ये लेवल वन कितनी कितने टाइम का मतलब ड्यूरेशन की बात करें कि अगर मान लीजिए लेवल वन लेते हैं तो एक 25 to 35 आवर का है। हाँ, डीवीए माइक्रो प्रोग्रामिंग 35 to 45 का है। ओके, और ए आपका 10 to 15 आवर का। ये कंप्लीट आप करते हैं तो तकरीबन आपका ये 8200 आवर्स चलता है। अब ड्यूरेशन जो है ये एवरेज है, ये बाउंडेड नहीं। हो सकता है कि लंबा खिंच जाए, हो सकता है कि वो जल्दी हो जाए, वो डिपेंड करता है आपके ऊपर। ओके, आप किस तरह से कर रहे हैं। ओके, इसका वो बताओ खर्चा वगैरह कितना है। अब इसकी खर्चे की बात करें, कंप्लीट कोर्स अगर करते हैं तो आपका पड़ता है 15,000 रुपीज। अगर सिर्फ एक्सेल करते हैं तो 7,500, और सिर्फ अगर आप वीवीए करते हैं तो 10,000। ओके, और कंप्लीट तीनों को मिला के 15,000। हाँ 15,000। तो वीवीए अगर आप करोगे तो ए जो है ना इंक्लूड हो जाता है, क्योंकि इसमें कनेक्टिविटी जो है इन दोनों के बगैर नहीं हो सकता है। तो वीवीए के साथ आ जाता है, समझ गए सर? समझ रहा हूँ। और ये क्लास डेली होती है? क्लासेस जो होगी आपकी वो मंडे टू फ्राइडे होगी 1 घंटे। अगर आप वीकेंड लेते हैं सैटरडे एंड संडे तो ये आपका हो जाएगा 2 घंटे के आसपास, 2 से 2.5 घंटे चलेगा। ठीक है, लेकिन वीकेंड को हम आपको नहीं प्रेफर करेंगे कि आप वीकेंड ज्वाइन करें, क्योंकि वीकेंड की क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं होती है, क्योंकि इसमें 7 दिन का गैप हो जाता है। तो आप भूल जाओगे कि पिछले वीक आपने क्या पढ़ा था, प्रैक्टिस उतनी अच्छी नहीं हो पाएगी। तो वीकेंड जो है आपकी लास्ट पर होनी चाहिए कि हाँ वीकेंड से हमारे जब नहीं है वीक तो देन इसका इस्तेमाल करें। ठीक है, और बताइए और कुछ पूछना है? बस यही है। और मतलब जिस तरीके से अभी क्लास हो रही है हमेशा क्लास ऐसी ही होगी? हाँ ऐसी क्लास होगी, बस ये हो सकता है कि आपके साथ 2-3 बच्चे और। ठीक है, ज्यादा नहीं होता है, दो माने कि 2-4 बच्चे ही होते हैं। हम ज्यादा वीर नहीं रहते। मैं अपने दोस्त से बात कर लेता हूँ एक बार, जिसको मेरे साथ सीखना था। हाँ, और फिर मैं डिसाइड करके उससे आपको फिर बताता हूँ। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब इसमें कुछ और बेनिफिट्स है, कुछ और बेनिफिट्स है उसके बारे में जान लीजिए।
कर लेंगे, मेरे तो अभी टाइम ही, और पापा का कॉल आ रहा है बार बार पीछे से। ठीक है ठीक है।